हर शहर की पहचान होता है और स्पेशली जो लोग बाहर से आए होते हैं वो कुछ याद रखे ना रखे, पर जहां वो जाते हैं वो वहां का जायका जरूर याद रखते हैं। और जायका यहां का कुछ ऐसा है कि लोग यहां पर एक बार आ जाएं तो भूलते नहीं है यहां के खाने को, यहां के स्वाद को, क्योंकि यहां का स्वाद लाजवाब है। पूरी रात ये दुकानें खुली रहती हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं और इन चटपटे चीजों का स्वाद यहां से लेते हैं, जायके का स्वाद लेते हैं। और खास बात यहां पर ये भी देखिए कि यहां पर सब कुछ वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियन कुछ भी नहीं होता है। आखिर जायका, सियासी जायका कैसा है, कैसा स्वाद है, लोग कितना सेटिस्फाइड है मौजूदा सरकार से, काम से, ये भी लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। कुछ युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सबसे बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे देख रही हैं इतने साल में डेवलपमेंट या जैसी स्थिति इंदौर की है, किस तरह से देख? ओके, सो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट तो काफी हुआ है। मतलब इंदौर, मैं इंदौर में रहती नहीं हूँ बट आती जाती रहती हूँ, भोपाल इंदौर ट्रैवल चलता रहता है। सो इंदौर में मुझे लगता है कि साफ सफाई का जो बोला जाता है वो वाकई में है। लोग बाकी शहरों से ज्यादा अवेयर हैं, मतलब वो समझते हैं कि यार हमारे इंदौर की छवि खराब होगी इसलिए कचरा उठा के डस्टबिन में डालते हैं। मतलब अभी भी जैसे जितना मार्केट्स में दिखता है उससे बहुत कम दिख रहा है, शायद लोग नहीं फैला रहे हैं, साफ सफाई कंटिन्यूअसली चल रही है। लेकिन एक जो मुझे मेजर प्रॉब्लम अभी भी लगती है, लाइक इतना डेवलपमेंट के बाद भी, कि एक तो इतना बड़ा शहर है, इतना डेवलप्ड शहर है बट फीमेल टॉयलेट्स नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि अच्छे टॉयलेट्स ही नहीं है, चाहे वो फीमेल के लिए हो चाहे मेल के लिए हो। और दूसरा जो मुझे फील हुआ सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के साथ, कि मंदिर बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गए हैं। मतलब अब ऐसा लगता है कि आपको अगर दर्शन भी करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। मतलब ये मैंने खुद फील किया है कि चाहे वो उज्जैन हो, चाहे मैं आज सुबह यहाँ पर जो खजराना गणेश जी है वहां पर गई थी, तो मतलब आपको आगे वाली लाइन में जाना है तो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब भगवान के भी दर्शन करने तो फ्री में नहीं होंगे। और लोग, सबसे बुरा ये है कि लोग दे भी रहे हैं जबकि पीछे खड़े होकर भी दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन आगे से गेट है वहां से आप पे करके जा रहे हो। कल्चर पर विचार होना चाहिए, बिल्कुल विचार होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि वो जो वाइब होती है मंदिर वाली, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए जाते हो, शांति के लिए जाते हो, लेकिन ऐसे में आपको जाके लगता है कि फिर इस इधर और दुकान में फर्क ही क्या है। मतलब सब कुछ बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया है, तो इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। एंड बाकी मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से तो अच्छा काम कर ही रही है। स्कूल वगैरह सब अच्छा चल रहा है? हाँ, स्कूल सब अच्छा चल रहा है। स्कूलों में जो पैसा ज्यादा लिया जाता था, किताबों को लेकर के हम बात करें, यूनिफॉर्म को लेकर के बात करें, जो प्रेशर स्कूल की तरफ से बनाया जाता था, क्या अभी भी वो है? हाँ, कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं भी है, ऐसा है। एजुकेशन के मामले में कैसा है इंदौर? बहुत बढ़िया है। फिर से अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो आखिर क्या उम्मीदें आपको भी रहेंगी? दवाई वगैरह के रेट वगैरह बढ़ रहे हैं, वो कम करना चाहिए। दवाइयों के रेट को कम करना चाहिए, बहुत ज्यादा है, शुगर वगैरह। सरकार को मैं एक मान करना चाहूंगी कि बीजेपी सरकार सामान्य वर्ग वालों के लिए कुछ भी नहीं है, है जो सिर्फ नीचे जो छोटी जात में आते हैं उसमें, सामान्य लोगों के लिए कुछ नहीं, हम सामान्य में आते हैं। मिडिल क्लास परेशान है? हाँ, मिडिल क्लास बहुत ज्यादा परेशान है। गरीब सेटिस्फाइड? गरीब के लिए मिल रहा है ना, गरीब को वो नहीं है, और या तो फिर पैसे वाले का है, मिडिल क्लास को ज्यादा प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास बड़ा मुद्दा, यही अपील है कि मिडिल क्लास वालों को ध्यान दिया जाए। मिडिल क्लास पिस रहा है, ये तो हर कहीं मुद्दा उठता आया है। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार अच्छा, मध्य प्रदेश में तो अच्छा ही काम किया है, सेटिस्फाइड है, डेवलपमेंट है, अच्छा है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो खुद डिजिटल मीडिया से रिलेटेड काम करता हूँ, तो पर है, डेवलपमेंट है, अच्छा है, यहाँ से दिखता है। क्या बना रही हैं आप? मैं छोले कुलचे, डोसा, चाइनीज। कैसा चल रहा है मार्केट? थोड़ा जो अभी पेपरबाजी होने से कि सराफा बंद हो रहा है, इस कारण मार्केट थोड़ा डल है, लेकिन ये है कि पेट भरा जाता है। हम लोग मिडिल क्लास के हैं, अपना जीवन यापन इसी चीजों से करते हैं। पेपरबाजी करने से हम लोगों के व्यापार पर बहुत असर पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रसोई में आप जो भी सामान देखोगे उनमें टैक्सेस जिस तरह से हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, क्या वो आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपके धंधे को प्रभावित कर रहे हैं? कितनी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जो हमको सिलेंडर मतलब 700-600 में मिलने वाला आज 1000 रुपए में मिलता है, अगर हम ब्लैक में लेने जाएं तो 1200-1500 में मिलता है। तो हम जीवन यापन करने के लिए और जहाँ खड़े वहाँ का रेंट देते हैं। क्या अपील करेंगी? मैं सरकार से ये अपील करूंगी महंगाई को कम करें और मिडिल क्लास जो लोग हैं उन लोगों पे ज्यादा ध्यान दें। क्या खास है? सभी कुछ खास है यहाँ पर तो। एजुकेशन के मामले में? एजुकेशन भी डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अभी अगर अपन जॉब्स वगैरह की बात करें तो काफी बड़ी कंपनीज का भी सेटअप हो रहा है, आईटी पार्क्स और बिजनेस पार्क्स बिल्ड अप हो रहे हैं।
ओवरऑल गवर्नमेंट काम कर रही है, कर रही है, एंड वी कैन सी दैट। कैसा चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है इंदौर में? इंदौर बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज का? बच्चों के रेडीमेड का। अच्छा, रेडीमेड का काम सही चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। व्यापारी वर्ग को कोई दिक्कत? कहीं नहीं दिक्कत है। सरकार का सपोर्ट पूरा मिल रहा है? मोदी सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मतलब सेटिस्फाइड है आप? कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं। बच्चे जीतेगी मोदी सरकार इंदौर में। काफी ज्यादा भीड़ है, पूरी रात ये मार्केट खुला रहता है। ये भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। और लोग आपको दिख भी रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के खिलौने हो जाए और यहाँ पर अलग अलग तरह की डिशेस हो जाए, व्यंजन हो जाए, सभी का लुत्फ यहाँ पर उठाते हुए लोग नजर आते हैं। चूंकि अब गर्मी बहुत आ चुकी है, बर्फ का गोला नहीं खाया तो क्या खाया। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास हम करते हैं। महिलाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आंटी? हम नागपुर से हैं। नागपुर से आई हैं? कैसा लग रहा है इंदौर? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। आप भी नागपुर से हैं? हम भी नागपुर से हैं। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। कब आया? फर्स्ट टाइम है हम यहाँ। हम अभी थोड़ा देरी हुआ, आधा घंटा हुआ आए, लेकिन देखते बराबर बहुत पसंद आया है ना। पान स्पेशली यहाँ पर लोग जो है ना, पान खाने के लिए बहुत आते हैं। देखिए अलग अलग तरह की वैरायटीज हैं पान में भी, और लोग यहाँ पे स्पेशली पान खाने के लिए भी आते हैं। भाई कौन कौन से पान दे रहे हो? हमारे पास फायर पान है, स्मोक पान है, मगई पान है, गुंडी पान है, चॉकलेट पान है, सब वैरायटी के पान है। कौन सा चलता है सबसे ज्यादा? ज्यादा हमारा मिंटेड गुंडी पान है, हमारा सिग्नेचर पान है यहाँ का, और इंदौर का स्पेशल पान है। क्या रेट से स्टार्ट होता है ये? 50 रुपीज से स्टार्ट है, 150 तक के जाते हैं। सही चल रहा है धंधा? हाँ सही तो चल रहा है। अभी मंदा है क्या? अभी है थोड़ा, शादी है तो शादी आय के बारे में मंदा चल रहा है अभी। कि लोग रेट का सोच करके नहीं आते हैं ऐसा कुछ नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चल रहा है? हाँ ठीक है। तो कहीं कहीं है, हर किसी का अलग अलग जवाब है। कोई सेटिस्फाइड है अपने व्यापार से, अपने काम से, तो कहीं पर ये भी है कि किसी की मंदी भी चल रही है। सराफा आए और इस खास दुकान पर ना आए तो फिर क्या ही आए। यहाँ की बात का जिक्र जो है हर कहीं होता है, क्योंकि इतनी सारी ज्वेलरी जो ये साहब पहनते हैं, दद्दू पहनते हैं, ये पहचाने जाते हैं अपनी ज्वेलरी के नाम से और इनकी आइसक्रीम के नाम से। कैसी आइसक्रीम खिलाते हैं आप? सर जी आइसक्रीम तो जनता की, मेरे ग्राहकों की मन पसंद ही खिलाना पड़ेगी, तभी तो फेमस होना बहुत। और इतना सारा सोना आपने पहन रखा है? सारा सोना तो क्या है कि ये सराफा बाजार है, एक समंदर है। इस समंदर में आए थे 50 साल पहले एक छोटा सा व्यापार लेके, और यहीं से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खरीदते चले गए, लेते गए। ये शौक पहचान हो गई, पहचान अब रोज पहनना मजबूरी हो गई। अच्छा लगता है? अच्छा, बाबा महाकाल की कृपा से आया, जब एक शौक हो गया तो अच्छा ही लगता। क्या खासियत है आपकी आइसक्रीम की? खासियत तो क्या है कि इंदौर शहर ही खासियत के लायक है, और यहाँ महा इंडिया की नगरी है, और इसमें आपको मैं खिलाता हूँ मेरी 18 प्रकार की कुल्फियाँ। और कुल्फियों में भी केसर, मैंगो, सीताफल, काजू केवड़ा, पान, गुलाब, गुलकंद, जामुन, जामफल, और शुगर फ्री वालों के लिए अभी हमारा स्पेशल चल रहा है नेचुरल जामुन। जामुन कुल्फी के ऊपर भी मैं बिल्कुल ब्रांडेड कंपनी का मसाला लगा के दिया जाता है। राजनीति क्या कह रही है? सियासी हलचल कैसी है? राजनीति तो सब अभी आवाज लगा दिया अपन, जय जय मोदी, हर हर मोदी। व्यापारी की तरह ही काम कर रहे हैं, मतलब व्यापार से सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं? व्यापार में तो मजा आ रहा है ना। देखो मोदी के आने के बाद में उन्नति हुआ है, तरक्की हुआ है, तो अच्छा ही लग रहा है। महंगाई नहीं है? काहे की महंगाई? मेरे को एक बात बताओ, कल मैं 125 शेर का घी खाता था, आज मैं 570 का घी खा रहा हूँ या 600 का घी खा रहा हूँ, तो कमा नहीं रहा हूँ क्या? मैं महंगाई को क्या लेके बैठ जाऊंगा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? हर चीज की चीज रफ्तार जब तक बढ़ेगी, आप कमा रहे हो तो और क्या विकास की जरूरत है इंदौर में? विकास तो खूब हो गया साहब, यहाँ हमारे यहाँ एक रेलवे भी आ गई है, मेट्रो भी आ गई है, रोड भी बढ़िया हो गए हैं, और बढ़िया व्यवस्थाएं हो गई है। तो मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? क्या कर रहे हैं पढ़ाई? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कर रहे हैं कहाँ से? लगी से, यहाँ से, सेज यूनिवर्सिटी से। यहीं से कर रहे हैं, इंदौर से ही कर रहे हैं? पर आप जैसी पढ़ाई होनी चाहिए वैसी हो रही है, या ऐसा लगता है कि बाहर जाने की जरूरत? नहीं, मतलब पढ़ाई तो अभी इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से नहीं हो पा रही है, मतलब चेंज करिकुलम में चेंज करना चाहिए। एजुकेशन के मामले में ग्रोथ की जरूरत है? जी जी, जो NEP आया है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अच्छे से।
आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस कहीं का अपना ऑयल ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है। कैसा चल रहा है? बढ़िया है एकदम। अहमदाबाद से आए। कैसा लग रहा है गवर्नमेंट का? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। और भी कुछ युवा हैं, बात करने का हम प्रयास करेंगे उनसे भी कि आखिर वो कैसा देख रहे हैं डेवलपमेंट को। आप कैसे देख रहे हैं, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज़ से जॉब करते हैं? मैं अकाउंटिंग फाइनेंस में जॉब करता हूँ। सेटिस्फाइड है? काफी हद तक मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अभी है ना काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो इसको खुल रहा है जॉब का और मौके मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है, रोजगार की बड़ी दिक्कत है मध्य प्रदेश में। रोजगार की दिक्कतें हर जगह है, बाकी अपॉर्चुनिटीज आ रही है और रोजगार मिल रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बड़ी सिटीज में अगर आप जाते हैं, आप निकलते हो तो आपको रोजगार के अवसर जरूर मिलते हैं। महंगाई कैसी है? महंगाई कुछ ज्यादा है, गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा काम करना चाहिए महंगाई पे। कुछ चीजें जो रसोई की रहती है उसमें गैस पे या फिर राशन पे, उनको थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। कैसे चल रहा है? बढ़िया, कुल्फी मिल रही है, बढ़िया विकास हो रहा है। मोदी जी भारी मतों से जीत रहे हैं, 400 के पार जो उनका ऐलान है वो मनोकामना महाकाल पूरी करेंगे। अब की बार 400 बार मोदी सरकार। अरे बात है, अच्छा अच्छा तो है। कई सारे लोगों के दिलों में जो है मोदी बस चुके हैं और जुबान पर नाम जो है बस वही वही आता है। ऐसे आपने कई सारे पीछे देखे होंगे, हमने ऐसी कई सारी तस्वीरें आपको दिखाई जो सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाते हुए। शायद हो सकता है काफी हद तक ये सेटिस्फाइड भी हो, काम इनको पसंद आ रहा हो। और बाकी कामों में जिस तरह से आपने व्यापार का जिक्र किया, एजुकेशन का हमने जिक्र किया, तो काफी हद तक काम हुआ है। और भी जो काम की जरूरत है वो सरकार उसके प्रयास कर रही है। ये एकमात्र ऐसा मार्केट है जहां पर अलग अलग तरह के ढेर सारे व्यंजन मिलते हैं, वो भी एकदम मिनिमम रेट पर। साथ ही साथ खास बात यहाँ पर यह है कि वेजिटेरियन सब कुछ यहाँ पर मिलता है, इसीलिए बड़ी संख्या में भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। कुल्फी हो, फालूदा हो और तमाम तरह की चीजें हो, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लुत्फ उठाने के लिए व्यंजनों का पहुंचते हैं। ये जलेबी आप देख रहे हैं, जितनी टेढ़ी मेढ़ी ये नजर आ रही है, कहीं ना कहीं राजनीति भी मध्य प्रदेश की कम हम उसी तरह से देख रहे हैं। पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, गोल गोल हो चुकी है, समझ से परे है। किसी को समझ में आ रही है तो किसी के समझ से परे जा रही है। हालांकि बहुत लोगों से हमने बात की, किसी का कहना था कि और विकास की जरूरत है, किसी का कहना था कि सारे काम हो चुके हैं और काम अच्छा चल रहा है। हालांकि क्या रहता है इंदौर में, किस तरह से बढ़ चढ़कर लोग किस तरह से वोट करते हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, ये सब 4 तारीख को सामने आएगा। आखिर जायका कैसा है वो 4 तारीख को पता चलेगा।